नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। शाम 4:30 बजे वो राजभवन पहुंचे। राजभवन की ओर से कहा गया कि कोरोना के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की ओर से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में उन्हें जानकारी दी है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास शुरू हो गए हैं। मुलाकात को लेकर राजभवन ने जो अधिकृत बयान जारी किया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर से बचाव और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी है। दोनों के बीच उच्च शिक्षा के वर्तमान हालात को लेकर भी चर्चा हुई है। राज्यपाल की पहल पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में बनाए जा रहे संविधान पार्क, संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के मॉडल के बारे में चर्चा हुई। साथ ही संविधान स्तंभों के निर्माण को लेकर भी बातचीत हुई। राजभवन में बनने वाले विश्वविद्यालय पार्क के बारे में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में चर्चा होने की बात कही गई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ये बातचीत करीब 1.25 घंटे तक चली और बंद कमरे में हुई इस बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकता है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। राजसमंद उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे राजसमंद। राजसमंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का दिया अजय माकन ने मंत्र। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बेहद संवेदनशील है। इसी कड़ी में आज अजय माकन राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर उन्हें उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र देने के लिए राजसमंद पहुंचे। इस मौके पर अजय माकन ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि उनका बड़ा मकसद प्रदेश के तीनों ही उपचुनावों में न केवल पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है बल्कि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एकजुट करना भी है। इस दौरान अजय माकन ने भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के बागी प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया के मसले पर भी प्रतिक्रिया दी और साफ किया कि लोकतंत्र में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा अपनी ताकत का बेजान इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान अजय माकन ने साफ किया कि उनकी कोशिश पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच एक सेतु की तरह कार्य करते हुए पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की रहेगी और इसी को लेकर वे आगामी दिनों में यहीं पर कैंप करेंगे और पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कर देंगे। रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन जोशी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में लादूलाल पीतलिया के नाम से जो विवाद उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले लादूलाल पीतलिया ने जब नामांकन वापस लिया तब से जहां एक तरफ पहले भाजपा के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लग रहा था तो अब कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि कल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से लादूलाल पीतलिया के घर के बाहर क्वारंटाइन करने का नोटिस चस्पा किया उसके बाद में भाजपा हमलावर मोड में आ गई और भाजपा ने कांग्रेस सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस के ऊपर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक मदन दिलावर ने जहां राजसमंद में हमला बोला वहीं भीलवाड़ा में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि ये किसी भी तरह का स्पेशल कोई काम नहीं है। पूरे राजस्थान में जो बाहर से प्रदेश से आने वाले लोग हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा संख्या भी गिनाई जिसके तहत बाहर से आने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उन्हें घर अपनी जाँच रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आए जब तक घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच आज भाजपा के आला नेताओं ने इस बात को लेकर खासा हमलावर अंदाज में आरोप लगाया कि अब जो अब तक भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस है कि दबाव बनाने की राजनीति कर रही है अब वही कांग्रेस के ऊपर भी आज हमलावर रोल में भाजपा नजर आई। उधर आज सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने करीब आधा दर्जन से अधिक जगह पर ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने वालों में बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन रामलाल जाट व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा भी रहे। सबने
अपने अपने अंदाज में भाजपा को कोसा। यहाँ तक कि धर्मेंद्र राठौड़ ने तो कहा कि इस समय भाजपा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा के द्वारा लोकतंत्र पर जो किए जा रहे हमले हैं इसका सबक सिखाएगी। उधर भाजपा के भी आला नेताओं का दौर भीलवाड़ा जिले में शुरू हो गया है। भीलवाड़ा जिले में प्रभारी सांसद सीपी जोशी ने आज साढ़ा विधानसभा क्षेत्र में दौरे किए। करीब 3 दर्जन से अधिक पंचायत में पूर्व नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ में प्रबुद्ध लोगों की बैठकें लेने पहुंचे। जेतारण के विधायक अविनाश गहलोत भी आज साढ़ा क्षेत्र में दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में फिर बेखौफ दिखे बदमाश, ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। दरअसल बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर की लूट। बताया जा रहा है करीब 50 ग्राम सोना लेकर हुए चंपत। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इधर एसपी प्रीति चंद्रा ने स्पेशल टीम भी भेजी है तो जिले भर में नाकाबंदी भी कराई है। गौरतलब है कि बीकानेर में एक बार फिर कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो साथ ही साथ कई जगह शटर तोड़ने की कोशिश भी हुई। नयाशहर थाना इलाके में भी घटनाएं बढ़ी हैं। दरअसल इस थाना क्षेत्र में ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत नजर आ रही है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एस चारण। करप्शन के खिलाफ जारी है कोटा एसीबी का दनादन एक्शन। आज फिर एसपी ठाकुर चंद्रशील की टीम ने कोटा में 2 घुसखोरों को दबोचा। आज ट्रैप की कार्रवाई जिला कलेक्ट्रेट के तहसील कार्यालय में की गई, जहां कानून गो योगेंद्र सिंह चौहान चतुश्रेणी कर्मचारी के साथ मिलकर घुसखोरी कर रहा था। मामला इंतकाल खोलने से जुड़ा हुआ था। परिवादी मोहम्मद रिजवान ने एसीबी ऑफिस में पेश होकर के इस तरह की तहरीर दी थी कि उसकी पुश्तैनी जमीन दाकड़खेड़ी गांव में है, उसके नाना की मौत हो चुकी है और इसके बाद उसने इंतकाल खुलवाया तो इंतकाल उसकी अम्मी, उसकी मौसी और उसके मामा के नाम से खुल गया। लेकिन अब कानून गो और साथ में चतुश्रेणी कर्मचारी बाबूलाल लगातार उसे इस बात के लिए धमका रहे हैं कि इंतकाल खुलने के बाद उसे यहां आकर मिलना होगा और 10,000 रुपये की घूस देनी होगी। अगर उसने घूस नहीं दी तो न सिर्फ उसका इंतकाल कैंसिल कर दिया जाएगा बल्कि उसी के दूसरे परिजनों के नाम से इंतकाल खोल दिया जाएगा। आज एसीबी की टीम ने ट्रैप की पूरी कार्रवाई का आयोजन किया और चतुश्रेणी कर्मचारी बाबूलाल को 8,000 रुपये की घूस देते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। बहरहाल एसीबी ने दोनों घुसखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के घरों की भी तलाशी ली गई है और पूरे मामले की अग्रिम पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल एसीबी दोनों घुसखोरों को कोर्ट में पेश करने वाली है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन हुआ सख्त। आज से शहर में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तो वहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 4 जिम को किया गया सीज, वहीं 1 स्कूल को भी किया गया सीज। शहर में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसके तहत रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी जिम और स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन आज निरीक्षण के दौरान जॉइंट एनफोर्समेंट टीम उत्तर को जीनियस पब्लिक स्कूल खुली पाई गई, जहां कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जा रहा था। इस पर जॉइंट एनफोर्समेंट टीम ने स्कूल को सीज करने की कार्रवाई की। वहीं राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी जिम खुले पाए जाने पर 4 जिम को भी सीज किया गया। वहीं आज रात्रि 8 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। स्वयं जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस कमिश्नर जॉस मोहन, नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर, डीसीपी धर्मेंद्र कुमार सहित कई आला अधिकारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और कर्फ्यू की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। के कामा थानाधिकारी और नदवई के पुलिस कर्मियों पर महिलाओं द्वारा आरोप लगाने के मामले में एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने किया मामले का पटाक्षेप। एसपी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी के थानाधिकारी पर महिला द्वारा क्वार्टर पर बुलाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक से मिली थी, जिसकी जाँच एएसपी बंदिता राणा को दी गई थी। एएसपी की जांच में पाया गया कि भूखंड विवाद और सिंथेटिक दूध के प्रकरण में थानाधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए महिला द्वारा आरोप झूठे लगाए गए थे और थानाधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत दी गई थी। वहीं नदवी थाने के पुलिस कर्मियों पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला का झूठ भी बेनकाब हुआ। अपने पति के खिलाफ
परवाद में कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ये पूरी झूठी कहानी रची थी। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि पुलिस के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में महिलाओं के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।